अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल में। जिन्हें जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, एक बार फिर हम एक सेटअप पे मौजूद है। ये सेटअप आप लोगों को बता दूँ, मुश्तरका सेटअप है, यानी कि पार्टनरशिपिंग पे ये सेटअप की बेस है। और यहाँ के जो दो ऑनर हैं उनका मैं नाम बता देता हूँ, तौसीफ भाई हैं और एक हैं अली रज़ा। तो सबसे पहले यहाँ के ऑनर से बात करते हैं, उसके बाद आपको सेटअप का विज़िट कराएँगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हमारे पास सेटअप के ऑनर्स मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तौसीफ भाई, खैरियत से? खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। तो यहाँ पे बताएं कि आपने क्या क्या रखा है सेटअप पे? यहाँ पर मोर हैं, टर्की हैं, ऑस्ट्रिच हैं। अभी फिलहाल क्योंकि मोर के पास ज़्यादा हो रहा होता है, मोर और टर्की पे, तो उसकी काफ़ी सारे हैं। ओके, तो यहाँ पे दूसरे ऑनर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से? अली, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बताएं आपने क्या क्या चीज़ें रखी हैं भाई? यहाँ पे टर्की वगैरह हैं, बकरे हैं, बकरियाँ हैं, ब्रीडिंग में यानी कि टोटल सिस्टम यहाँ लगाया हुआ है। बाकी इसके अलावा ऑस्ट्रिच वगैरह, हिरन की भी काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे हर वैरायटी है मोरों में, सिल्वर में, सुरखाब, बाकी सुरखाब की वैरायटी है, ग्रीन जावा, ये मोर के अंदर तमाम वैरायटीज अपने पास अवेलेबल है। ओके, तो ये दोनों आप लोगों ने पार्टनरशिपिंग के तहत ये सेटअप जो है किया है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो व्यूअर सेटअप का विज़िट करते हैं। सबसे पहले तौसीफ भाई का साइड देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, देन फिर अली भाई की तरफ आएँगे। तो तौसीफ भाई, ये बताएँ कि हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले क्या दिखाएंगे? सबसे पहले टर्की दिखाते हैं, देख लेते हैं। लट्सी जी जनाब, ये टर्की हैं, इसके अंदर तकरीबन 6 मंथ के हैं, ये मेच्योर हैं, 6 महीने के मेच्योर हैं, मेच्योर हो चुके हैं। तकरीबन ये 2 मंथ लेंगे, ये एक लाइन के ऊपर आ चुके होंगे। अच्छा, 2 महीने लेंगे, तकरीबन नवंबर के अंदर ये एक लाइन के ऊपर होंगे, एक लाइन के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद यानी फर्स्ट ब्रीड देंगे सब? जी बिल्कुल, सब फर्स्ट ब्रीड के हैं ये। अच्छा, तो इनकी क्या डिमांड रखी है आपने? इसके 8,000 रुपये पेयर है ये। 8,000 रुपये पेयर है। इसके अंदर कलर के अंदर कोई वो नहीं है, जो कलर जिसको चाहिए वो मिल जाएगा। कलर के अंदर कोई रेट का डिफरेंस नहीं है, नहीं। जो कलर चाहिए वो आप दे देंगे। 8,000 रुपये पर पेयर के हिसाब से डिमांड रखी है। जी बिल्कुल जी। तौसीफ भाई, इनके बारे में बताएं, ये स्मॉल साइज़ है? हाँ, ये इनसे छोटे हैं, तकरीबन 4 से 5 महीने के दरमियान के हैं ये भी, टर्की सारे 4 से 5 महीने के। हाँ, अच्छा, तो इनको टाइम लगेगा अभी सेट होने में? इनको तकरीबन 3 महीने 4 महीने इनको भी लग जाएंगे। तो इसकी क्या डिमांड रखी है आपने? इसकी है 6,000 रुपये पेयर। 6,000 रुपये पेयर के हिसाब से? 6,000 रुपये पेयर है। और इसको सेट होने में कितना टाइम लग जाएगा? तकरीबन 6 महीने तक लगेंगे? नहीं, इनको तकरीबन 4 महीने लगेंगे। 4 महीने में सेट हो जाएंगे ब्रीडिंग के? बिल्कुल, ये दिसंबर तक ब्रीड करेंगे। अच्छा, इसमें कलर में कोई डिफरेंस तो नहीं है? नहीं, कलर के अंदर कोई इशू नहीं है, कि जिसको जो कलर चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक, तो ये बताएं तौसीफ भाई, अब हमारे व्यूवर्स को क्या दिखाएंगे? अभी तो हमने टर्की का सेक्शन कवर कर लिया, तो देख लेते हैं मोर की वैरायटी। जी तौसीफ भाई, ये हम देख रहे हैं मोर के चिक्स हैं, काफ़ी बड़े हैं। हाँ, ये 4-4 महीने के चिक्स हैं, 4-4.5 महीने के मिक्स हैं। इसके अंदर ब्लू शोल्डर, ब्लैक शोल्डर हैं। 10,000 रुपये पेयर है इनके। 10,000 रुपये का पेयर है, ब्लू शोल्डर है, ब्लैक शोल्डर है। इसके अलावा इसमें इसके अंदर इसके अलावा मेरे पास स्पाइड भी रखे हुए हैं, वो तकरीबन 6-6 महीने की एज के हैं। वो दूसरे केज में मैं दिखा देता हूँ वो भी। उसकी क्या डिमांड रखी है पाइट की? पाइट की आप देख लें, मैं दिखा देता हूँ पहले। सारे हेल्दी हैं, वैक्सीनेटेड हैं, कम्प्लीट। हाँ, ये थोड़ी सी। अच्छा, ये बताएं तौसीफ भाई, इनको कितना टाइम लगेगा तैयार होने में ब्रीडिंग के लिए? ये ब्रीडिंग के लिए तकरीबन 2 साल लेंगे अभी, नेक्स्ट साल लेंगे। जी 2 साल लेंगे ये अभी भी, क्योंकि 2 साल के अंदर जाके ब्रीड के लिए तैयार हो जाते हैं ये। अच्छा, तमाम बर्ड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं वैक्सीनेटेड हैं? जी वैक्सीनेटेड है कंप्लीट। आप देख लें माशाल्लाह, सारे एक्टिव हैं, जो कोई इस तरह का बीमार, कोई इस तरह का सुस्त नहीं दिख रहा होगा आपको। जी जनाब, अभी तो आपने दिखा दिया ब्लैक शोल्डर, मैं आपको पाइटी भी दिखा देता हूँ, माशाल्लाह देख लेते हैं। जी जनाब तौसीफ भाई, इस केज में कौन कौन से इसके अंदर पाइट के हैं और कुछ ब्लैक शोल्डर के पीछे हैं? तकरीबन 5 से 6 महीने के ये हैं, पाइट के हैं और ब्लैक शोल्डर के हैं। तो इनकी क्या डिमांड रखी है? जो पाइट वाले हैं ये 18,000 रुपये का पेयर है। पाइट जो है वो 18,000 रुपये का पेयर है जी। और जो दूसरे बता रहे हैं इसमें ब्लैक शोल्डर हैं? ब्लैक शोल्डर हैं, वो उनसे बड़े हैं जो हमने पहले देखे हैं। इनकी क्या डिमांड रखी है? ये 12,000 रुपये पेयर है। 6 महीने के जी। 6 महीने के हैं, 12,000 रुपये पेयर है ये जी। अच्छा, इसके अलावा और कलर भी मौजूद हैं? कैमियो या पर्पल? पर्पल भी हैं, वाइट के अंदर भी हैं, ब्रीडर पेयर भी रखे हुए इधर ना, ब्लू शोल्डर के, वाइट के, और बाकी। अच्छा, चिक्स भी मिल जाएंगे इसके? बिल्कुल चिक्स मिल जाएंगे। चिक्स की क्या डिमांड होगी? वाइट के? वाइट के हो गए या कैमियो के हो गए? वाइट के अगर 4 महीने के होते हैं तो वो 15,000 रुपये पेयर है। ठीक है, और कैमियो?
जेमी होता है वो 18,000 रुपये पेयर है। ठीक है, और ये बताएं पर्पल? पर्पल भी 15,000 रुपये पेयर है। 15,000 रुपये पेयर है। 6-6 महीने के होंगे वो? नहीं, 4-4 महीने के। 4-4 महीने के होंगे जी। जी तौसीफ भाई, अभी आपने हमें पीकॉक के चिक्स दिखाए, अब ब्रीडर पेयर देख लेते हैं। ब्रीडर पेयर दिखा देता हूँ, वाइट में, ब्लू में और बाकी अडल्ट रखे हुए पर्पल के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें देख लेते हैं, लेट्स सी। जी तौसीफ भाई, ये वाइट का ब्रीडर पेयर है, टेल इसकी पूरी गिर गई है, इसने ब्रीड दिए मेरे पास। फर्स्ट ब्रीड कर चुका है ये, बल्कि सेकंड ब्रीड कर चुका है ये। सेकंड ब्रीड भी कर चुका है ये जी। इसकी तो एज क्या है? एज क्या है इसकी अभी? तकरीबन 4 साल की एज है। 4 साल की एज है इसकी। ओके जी तौसीफ भाई, इस पेयर की क्या डिमांड रखी है? ये 45,000 रुपये का पेयर है। 45,000 का पेयर, ब्रीडर पेयर है। अच्छा, ये बड़े जो पीकॉक्स होते हैं इनको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है? बिल्कुल, इनको वैक्सीन 3 महीने के बाद होती है NDIB की। ओके, हर उसके अलावा मेडिकेशन रखें, उसके अलावा मेडिकेशन इनकी रखें, उनको वैसे भी सही रहता है, हेल्थी रहेगा बर्ड। बिल्कुल ठीक है जी तौसीफ भाई, ये भी ब्रीडर पेयर है? जी बिल्कुल, ये ब्लू शोल्डर का ब्रीडर पेयर है, इसने भी ब्रीड की है। इसने भी ब्रीड की है जी। तो वो फर्स्ट ब्रीड थी या सेकंड ब्रीड थी? इसकी फर्स्ट ब्रीड थी। फर्स्ट ब्रीड थी जी। तो इसकी क्या एज है अभी? ये तकरीबन 3 साल का मेल है और 2.5 साल की फीमेल है। अच्छा, तो ये बताएं कि इस पेयर की क्या डिमांड है? ब्लू शोल्डर के बड़े पेयर जितने भी हों वो 30,000 रुपये पेयर के हिसाब से होता है, फुल टेल के अंदर ब्रीडर पेयर 30,000 रुपये के हिसाब से स्टार्ट होता है जी। उसके बाद जितना वो नहीं, जो ब्रीडर पेयर है, जो ब्रीडर पेयर है वो 30,000 रुपये का, ब्लू शोल्डर वाइट वाला 45 का है जी। तौसीफ भाई, इस पेयर के बारे में बताएं, ये भी ब्रीडर पेयर है? जी बिल्कुल, ये भी ब्रीडर पेयर है, ये ब्लैक शोल्डर की फीमेल है और ब्लू का मेल है। ब्लू शोल्डर का मेल है, ब्लैक शोल्डर की फीमेल है जी। तो इसने ब्रीड किए? इसने भी सेकंड टाइम, बल्कि थर्ड टाइम इसने ब्रीड किए, फीमेल है। थर्ड टाइम ब्रीड दिए इसने फीमेल है। क्या डिमांड रखी है पेयर की? इसके भी 30,000, ब्लू शोल्डर जो ब्रीडर पेयर है वो 30,000 रुपये का है, ब्लू शोल्डर हो ब्लैक शोल्डर हो, ब्रीडर 30,000 के हिसाब से ये ब्रीडर पेयर मिल जाएंगे। ओके, इसकी एज क्या है? ये जो फीमेल है तकरीबन 4 साल की है और मेल भी तकरीबन इतना ही है, 4-4.5 साल का। अच्छा, ये दोनों जो है ये ब्रीडर पेयर 4-4.5 साल का है जी। ये करते हैं ब्रीड, 16-17 साल तक ब्रीड देते हैं मोर जी। तौसीफ भाई, इसके एज में क्या मौजूद है? इसके अंदर पर्पल नेक है, ये ट्रायो है, ये तकरीबन 1.5 साल का मेल है और फीमेल भी बराबर ही है, 1.5 साल की। ट्रायो है, पर्पल नेक है ये? जी पर्पल नेक है, जिस तरह ब्लू देखा है ना इस तरह ही इसकी नेक अभी, ये जिस तरह एज ज़्यादा होगी इसकी नेक बिल्कुल पर्पल हो जाएगी। ये ब्रीडर पेयर है? नहीं, ये 1.5 साल का है, अभी ये मेच्योर है, अभी ये इंशाल्लाह इस साल ये जो नेक्स्ट जो ब्रीड आएगी तो ये ब्रीड करेगा। अच्छा, अडल्ट पेयर है। क्या डिमांड है इसकी? ये ट्रायो 50,000 का है। ट्रायो जो है वो 50,000 रुपये का है, 50,000 का है। और अगर पेयर की हम बात करें? अगर हम पेयर की बात करें 35 का पेयर पड़ेगा, एक 35,000 का पेयर पड़ेगा। पर्पल है ये? पर्पल नहीं का। ठीक है जी। जनाब तौसीफ भाई, ऑस्ट्रिच भी यहाँ पे रखे हैं? जी बिल्कुल, ये ऑस्ट्रिच भी हैं इधर, ये तकरीबन 3-3 महीने के हैं दोनों। 3-3 महीने के हैं। अच्छा, ये मेल फीमेल है? जी मेल फीमेल है, ये पेयर है। तो इस पेयर की क्या डिमांड रखी है? इसकी 60,000 रुपये का पेयर है ये। 60,000 रुपये का पेयर है, 60,000 का पेयर है ये। और इसकी हाइट भी तकरीबन 3-3.25 फीट की है। 3-3.25 फीट की हाइट है इनकी। अच्छा, इनकी भी वैक्सीनेशन होती है? वैक्सीनेटेड हैं? वैक्सीनेटेड हैं वैसे ये, और बाकी काफ़ी सख्त जान होता है ये ऑस्ट्रिच। अच्छा, इसका अडल्ट पेयर कितने तक का मिल जाता है अगर कोई ब्रीडिंग के लिहाज से देखे? अगर ब्रीडिंग के हिसाब से अगर अडल्ट पेयर लेंगे तो 1.5 लाख रुपए का होता है। अडल्ट पेयर जो ब्रीडर पेयर होता है वो 1.5 लाख के फर्स्ट ब्रीड के लिए तैयार होता है, 1.5 लाख का पेयर होता है। और अगर ये चिक्स लेना चाहे तो चिक्स अभी आपने दिखा दिए, ये मिल जाएंगे, ये बिल्कुल अवेलेबल हैं अभी जी। तौसीफ भाई, इस केज में क्या मौजूद है ये भी बता दें हमारे व्यूवर्स को। ये सिल्वर फिजेंट है, ये तकरीबन 7 महीने के पट्टे हैं। 7 महीने के ही हैं जी। क्या डिमांड रखी है इनकी? ये 10,000 रुपये का पेयर है। 10,000 रुपये का पेयर है, मेल फीमेल का। और कितना टाइम लगेगा इसको मेच्योर होने में, यानी ब्रीडर पेयर? ये 1-1.5 साल के अंदर ब्रीड कर लेते हैं सिल्वर फिजेंट। 1-1.5 साल के अंदर ब्रीडर पेयर हो जाते हैं जी बिल्कुल। यानी 3-4 महीने लगेंगे इसको तैयार होने में? तकरीबन 5-5 महीने लगेंगे, 5-6 महीने। ठीक है। इसके अलावा रिंग नेक फिजेंट भी हैं। अगर ये बताएं कि इसका कोई अडल्ट पेयर लेना चाहिए यानी ब्रीडर पेयर लेना चाहिए तो उसकी क्या डिमांड होगी? वो 18,000 रुपये का पेयर है ब्रीडर पेयर। 18,000 रुपये का ब्रीडर पेयर जी।
जी, इस फीजन के बारे में बताएं। ये लिंगनेक फीजन के पट्टे हैं, तकरीबन 5-5 महीने की एज के ट्रायो, ये नीचे ऊपर दोनों के एजों के अंदर यही है। अच्छा जी, तो ये बताएं कि इनकी क्या डिमांड रखी है। ये 3,000 रुपये का पेयर है और ट्रायो कोई लेता है 4,500 रुपये का ट्रायो। 4,500 रुपये का ट्रायो है, 3,000 रुपये का पेयर है जी। ये ट्रायो के हिसाब से रखे हैं, 2 फीमेल 1 मेल। तो ये अभी जो आप एज बता रहे हैं, इसको तैयार होने में कितना टाइम लगेगा। ये भी तकरीबन 5 महीने लेंगे। 5 महीने लेंगे तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। ब्रीडर पेयर कितने के पर ये सब ब्रीड करेंगे, ये भी करेगा सिल्वर फीजेंट भी करेगा ब्रीड। ठीक है, ठीक है जी। तौसीफ भाई, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मोर के चिक्स भी रखे हैं, ये कौन सी वैरायटी है। ये वैरायटी सबसे अलग करके रखी हुई है, ये ग्रीन जावा के चिक्स हैं। अच्छा, यूनिक वैरायटी है, ग्रीन जावा के चिक्स हैं, अलग करके रखे हैं। तो ये बताएं कि इसकी क्या एज है। ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने के दरमियान के हैं। 2 से 2.5 महीने के दरमियान जी। और ये बताएं इसकी क्या डिमांड है। इसकी डिमांड 35,000 रुपये का पेयर है। ये 35,000 रुपये का पेयर है 2 से 2.5 महीने के चिक्स जी, ग्रीन जावा है ये प्योर। अच्छा, ये बताएं कि ये वैक्सीनेटेड है। ये वैक्सीनेटेड है। आपने जितने भी चिक्स और बर्ड्स देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई आपको बीमार या सुस्त नहीं दिखा होगा, सारे एक्टिव दिखे हैं। अच्छा जी, ये बताएं कि इसका ब्रीडर पे कितने का पड़ेगा। तकरीबन 1.5 लाख रुपए का, क्वालिटी के हिसाब से होता है। बास जो है इसको एमरल्ड दे देते हैं ग्रीन जावा के। ये ग्रीन जावा है, इसके चिक्स हैं। जो ग्रीन जावा प्योर होगा वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का, और एमरल्ड का मिल जाता है हमें तकरीबन 75,000 रुपए तक का, 75 से 80,000 रुपए में एमरल्ड आ जाता है। सेम होता है, थोड़े बहुत चेंजिंग है इसके अंदर। जो शौकीन हैं उनको पता होता है पहचान क्या है, तो और बाकी जिनको हम दे रहे होते हैं उनको बता के दे रहे होते हैं ये है क्वालिटी है। ठीक है जी। तौसीफ भाई, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चकोर भी मौजूद हैं जी। बिल्कुल, ये इसके अंदर 2 पेयर थे, अब तो खैर 2 मेल और 1 फीमेल है ये। अच्छा, ये 2 मेल हैं और 1 फीमेल है। तो ये बताएं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 मेल हैं और 1 फीमेल है, तो 1 फीमेल सेल आउट हो गई। नहीं, 1 फीमेल जो उड़ गई है। उड़ गई है जी, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या डिमांड रखी है इसकी। जो पेयर है ये 8,000 रुपये का पेयर है। 8,000 रुपये का पेयर है जी, बिल्कुल। ये फार्मी चकोर है। फार्मी चकोर है, 8,000 रुपये का पेयर है। एज बता देंगे। ये तकरीबन 1.5 साल का ये मेल फीमेल है, ब्रीड दे चुके हैं ये, और अभी भी ब्रीड दे चुके हैं, अभी ब्रीड दे चुके हैं 1.5 साल का मैच्योर ब्रीडर पेयर है जी, बिल्कुल। तो व्यूवर्स, ये हमने देखा बर्ड का सेक्शन, तो तौसीफ भाई ये बताएं बर्ड्स में भी यही मौजूद हैं यहाँ पे। बर्ड्स में भी यही मौजूद हैं, इसके अलावा मिल जाएंगे जिसको जो भी मोरों के अंदर वैरायटी चाहिए हो, साइज चाहिए हो, टर्की में चाहिए हो, ब्रीडर सब मिल जाएगा। तो वो तौसीफ भाई से कॉन्टेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम गोट की तरफ मूव करते हैं। गोट के लिए अली भाई आपको सारा गाइड करेंगे, क्योंकि गोट और सारा अली भाई देख रहे होते हैं। चलें देख लेते हैं गोट्स जी। अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो जनाब, यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी आपने रखी है। इसमें नाची है, राजनपुरी हैं, गुलाबी हैं, कपले हैं, कामोरी क्रॉस हैं, बाकी इसमें डिफरेंट वैरायटी होती है, मक्खी चीना वगैरह, फैसलाबादी भी रखी हुई है, सेल आउट हो गई हैं। अभी जो वैरायटी पड़ी हुई वो आपको विजिट करवा देता हूँ। चलें देख लेते हैं, लेट्स जी। अली भाई, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे नाची वैरायटी मौजूद है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल भाई, यहाँ पे नाची की जो है वो मेल फीमेल ब्रीडर अवेलेबल है हमारे पास, और भी माल आता रहता है साथ साथ हमारे, और यहाँ सेलिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पर बकायदा माल चलता है। तो नाची में जो है ये ब्रीड है हमारे पास, ग्रे के अंदर जो है वो मेल है, ये 2 दांत में अभी मेल है, अभी बच्चा जो है वो तैयार हुआ है ब्रीडिंग के लिए। साथ इसकी फ़ीमेल है, ये 2 दांत में फ़ीमेल है, की फ़ीमेल है, और ये जो है वो 4 महीने की गबन है, और अच्छा। इसमें जो है वो मेल फीमेल भी चाहिए हो किसी को तो वो भी मिल जाएगा, खाली फ़ीमेल चाहिए हो तैयार तब भी मिल जाएंगे, इनके छोटे बच्चे भी मिल जाएंगे। क्या डिमांड होगी इसकी, आप थोड़ा समझाए। ये पेयर के जो है वो 1,20 मांग रहा हूँ। ठीक है, पेयर के जो है वो 1,20,000। 1,20,000। ओके, और अगर कोई मेल लेना चाहे सिर्फ। मेल भी मिल जाएगा, मेल जो है वो 60 का मिल जाएगा। 60,000 का मेल मिल जाएगा, और ये फीमेल की क्या डिमांड है। फीमेल जो है वो 60,000 की हो जाएगी, और ये तैयार गबन है, जाहिर सी बात है 4 महीने की है। अच्छा, फीमेल भी 60,000 की है, मेल भी 60,000 का। इनके बारे में बताएं अली भाई, ये जो है गुलाबी बकरे हम देख रहे हैं। ये गुलाबी बकरी है अबलक के अंदर, ठीक है, और ये 6 दांत के अंदर बकरी है, तैयार गबन है। अच्छा, क्या डिमांड रखी है इसकी। इसकी 60,000 रुपये। 60,000 रुपये जी, 60,000 जी। अली भाई, इस बेबी के बारे में बताएं, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये गुलाबी ब्रीड का बच्चा है, छोटा, ये 5 महीने इसकी एज है। क्या डिमांड रखी है। डिमांड इसकी 15,000 रुपये। 15,000 रुपये डिमांड रखी है जी भाई। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ वैरायटी आपने रखी है, तो वैरायटी के हिसाब से मुझे थोड़ा सा रेट बता दें। यहाँ पे जो कामोरी हैं, इनमें बकरियाँ हैं, उनमें रेट कम अज़ कम जो है वो 50, 52, 55, 45, सबसे लोएस्ट क्वालिटी जो है वो तकरीबन 40 तक है,
40 तक है। 40 तक है। एज क्या होगी उसकी? एज उसकी तकरीबन साल होगी। साल होगी जी। अच्छा, दो दांत भी नहीं है वो? दो दांत भी नहीं है। बाकी जो इसमें राजनपुरी है, राजनपुरी में दो दांत है और वो फर्स्ट ब्रीड देगी। वो बकरी वहाँ पे आप देख रहे हैं मोनी सामने। क्या डिमांड रखी है उसकी? 50 रखी है। 50 रखी है। अच्छा, कामोरी हो गई, यहाँ पे नाची रखी हुई है, आपने गुलाबी रखी हुई है, तो ये ब्रीड्स यहाँ पे मौजूद हैं और ऑलमोस्ट इसमें 40 से स्टार्ट हो रहे हैं और बाकी जैसी क्वालिटी होगी वैसे रेट है। अभी जो हमने देखा है यहाँ पे 50,000 की आपने एक बताई है और एक 60,000 की नाची बताई है। बिल्कुल। अच्छा, बेबी का क्या रेट होगा यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं जैसे आप ब्रीड करा रहे हैं? मुख्तलिफ यानी के बच्चे हैं, यानी कि नस्ल के हिसाब से जो है ना वो रेट है। गुलाबी के हैं वो अलग हिसाब है, मक्खी चीना के रेट के अलग हैं। हाँ, बता दें थोड़ा सा। 12-13,000 रुपए के रेट है। क्या एज होगी? एज जो है वो 3 months होगी। 3 months होगी। और गुलाबी के बच्चे की क्या एज? गुलाबी के बच्चे की 20 भी है, इसमें 25 भी है। 25 का रेट है और उसकी भी एज 3 महीने होगी। 3 महीने एज होगी। और ये जो नाची के बेबी होंगे? नाची के बच्चे जो है वो पेयर अगर चाहिए होगा किसी को तो वो 50 तक का मिल जाएगा, सिंगल एक चाहिए होगा तो 30 तक। 30,000 रुपए का बच्चा होगा, 3 महीने का बच्चा। अच्छा, इसके बारे में बताएं, जो कामोरी हम देख रहे हैं ये कामोरी क्रॉस बच्चा है, इसकी जो है एज 7 months है और इसके जो है ना 17,000 रुपये जो है ना रेट मांग रहा हूँ। 17,000 रुपये इसके रेट मांग रहे हैं, 7 महीने का बच्चा है ये। अली भाई, यहाँ पे हिरन भी रखा हुआ है? जी, यहाँ पे हिरन भी हैं, इनके बच्चे भी आते रहते हैं। अभी थोड़ा सा मौसम जो है वो थोड़ा सा बारिशों का है तो इसलिए जो है वो फिलहाल ये एक बच्चा बैठा हुआ है, बाकी सारे सेल हो गए हैं बच्चे। अच्छा, इसकी क्या डिमांड रखी है? ये 7 महीने का बच्चा है और तकरीबन इसकी जो है वो डिमांड 65,000 रुपये बच्चे की है। अच्छा, तो ये बताएं, 7 महीने का बच्चा ही है, इसकी 65,000 रुपये? जी बिल्कुल। और अगर कोई पेयर लेना चाहे तो? पेयर लेने जाए तो वो उसमें मुख्तलिफ हैं, साइज़ वाइज हैं। अब जो जिस तरह लाख में भी है, फुल ब्रीडर पेयर जो है वो 1-20 तक भी जाता है। जिस तरह की क्वालिटी उस तरह के चिंकारा के अंदर जो है ना वो रेट है। ठीक है, तो इधर यहाँ पे इस पर भी काम करें फार्म? बिल्कुल। इस फार्म का एक ओवरव्यू दिखा देते हैं आप लोगों को कि ये कैसा बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे केजेस बनाए हुए हैं और काफ़ी अच्छा इसको अरेंज किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे हर बर्ड को अलग अलग प्रॉपर जगह दी गई है, ब्रीडिंग के लिहाज से ये फॉर्म इन्होंने तैयार किया है। टर्की भी यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद हैं, इसके अलावा गोट्स भी इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में रखे हुए हैं। गोट्स के लिए थोड़ी सी जगह इन्होंने कम रखी है क्योंकि अभी इनिशियल स्टेट में, हो सकता है आगे चल के थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएँ। तो व्यूवर्स, यहाँ पे ऑनर मौजूद हैं, इन लोगों से इजाज़त ले लेते हैं। इजाज़त लेने से पहले आपके बेनिफिट की भी बात करेंगे। तो जनाब, आप गोट्स में और हिरन्स में डील कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अगर कोई भी व्यूवर आपको कांटेक्ट करता है तो उसके साथ ज़रूर कॉपरेट करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। तो तौसीफ भाई, आप बर्ड्स में यहाँ पर डीलिंग कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ अगर कोई भी कॉन्टैक्ट करेगा तो उसके साथ कॉपरेट करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर। ठीक है, तो आप लोगों से इजाज़त लेने से पहले मैं चाहूँगा अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। 03112005207। यहाँ की लोकेशन भी मेंशन करना। ये मेन सईदाबाद मेन हब रिवर रोड है, ठीक है, इसके पास सूरती कब्रस्तान वाली गली के अंदर फार्म हमारा बना हुआ है। ठीक है, फार्म का नाम रखा है कुछ? नहीं, फार्म का भी फिलहाल कोई नाम नहीं रखा है, इंशाल्लाह अभी बनाया है, इनिशियल स्टेट पर है। ठीक है जी। तो अच्छा तौसीफ भाई, आपने भी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया हमारे व्यूवर्स के लिए। 03218910220 व्हाट्सएप पर भी यही नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप दोनों से कि अगर कोई भी व्यूवर्स कांटेक्ट करेगा तो उसके साथ ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। अगर उसको कोई चीज़ नहीं भी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों ने देनी। ठीक है, थैंक यू। तो व्यूवर्स, ये था एक और फॉर्म का विज़िट। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ वैराइटीज़ के बर्ड्स देखे जिसमें टर्की थे मोर की काफ़ी वैराइटी दिखाई, फीसेंट भी मौजूद थे, इसके अलावा यहाँ पे गोट भी मौजूद थे और हिरन भी मौजूद थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये विज़िट पसंद आया होगा। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों की खिदमत में हम पेश करते रहेंगे। तो आप तमाम व्यूवर्स से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आपके लाइक की सब्सक्राइब की हम लोगों को ज़रूरत है ताकि हम लोग इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग तक पहुँचाते रहें। और इस तरीके के जो फार्म हाउसेज़ होते हैं वो अक्सर लोगों को पता नहीं होता कहाँ पे हैं, किस लोकेशन पे, तो ये लोग प्राइवेटली बनाते हैं और हम लोग इसी वजह से यहाँ पे विज़िट करते हैं ताकि आप लोग तक पहुँच सके कि इन जगहों पे भी, जैसे बल्डिया टाउन में एक ये फार्म हाउस है, इसका ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। जब अभी इन्होंने स्टार्ट किया है तो ये पार्टनरशिपिंग में ये फार्म हाउस स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर हम इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर आ गए कवरेज किए। तो यहाँ पर जो भी मौजूद होगा, अगर यहाँ के करीबी लोग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, इसके अलावा कराची से कोई भी लोग लेना चाहते हैं तो वो बर्ड्स के हवाले से अगर कांटेक्ट करेंगे तो तौसीफ भाई से कांटेक्ट करें, अगर गोट्स के और हिरन के हवाले से कांटेक्ट करना है तो आप अली रजा साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, इन लोगों ने यहाँ पे ये थोड़ी फैसिलिटी रखी हुई है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ यहाँ पर चाहिए तो आप तमाम शायकीन दोस्त पूरे पाकिस्तान से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन लोगों ने एक कार्गो का सिस्टम भी रखा है तो आप लोग
काइंडली अगर कोई भी इंटरेस्टेड है आउट ऑफ कराची, यानी कराची से बाहर भी कोई इंटरेस्टेड है पूरे पाकिस्तान में, तो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, हमारी मेहनत पसंद आएगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।